मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि वो स्पेशल ओकेशन क्या था जो सेलिब्रेट करने के लिए हमने इतनी झटपट में पेरिस का ट्रिप प्लान किया। तो वो है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ अपना 4th मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आई थी। हेलो एवरीवन, सुबह सुबह आई एम आउट और देख सकते हो सुबह का नज़ारा। ये है मेरे ठीक होटल के बाहर का नज़ारा। तो झटपट से नाश्ता करने के बाद हम जा रहे हैं लोवर म्यूज़ियम। तो हमने प्री बुकिंग करके रखी थी, तो हम पहले विज़िट करेंगे आज लोवर म्यूज़ियम। और आप आई होप आप सब रेडी हो मेरे साथ म्यूज़ियम की सैर करने के लिए। और यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी, आप सबको तो पता ही होगा लोवर म्यूज़ियम फेमस है मोनालिसा के लिए। तो हम देखेंगे मोनालिसा और उसके साथ और बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जो हम देखने वाले हैं। मैं आपको मिलती हूँ लोवो म्यूजियम में। 1 राइड फ्रॉम द बस स्टॉप एंड आई एम स्टैंडिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ द लोवो म्यूजियम एंड इट इज सच अ ब्यूटीफुल डे टुडे। इट्स वेरी सनी एंड सो द ब्यूटी ऑफ द लोवर इज लाइक वेरी वेरी मेसमराइजिंग आई शुड से। लोवर म्यूजियम इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट लोवर, ग्रैंड लोवर और मूसे दे लोवर इन फ्रेंच। एंड सो इट हैज ऑल द नेम एंड इट इज फेमस फॉर वेरी वेरी गुड रीजंस। फ्रांस का शुरुआत में एक रॉयल रेसिडेंस था अंडर फ्रांसिस 1546 में, और उसके बाद धीरे धीरे इसे म्यूजियम का ओहदा दिया गया और इसके बाद इसमें बहुत काफ़ी सारी चेंजेस लाए गए। सो अभी फ़िलहाल जो हम यहाँ अंदर देखने वाले हैं वो बहुत तरह की चीज़ें होंगी, जैसे कि पेंटिंग्स। और फिर ये जो लोवर म्यूज़ियम है ये वन ऑफ द रिचेस्ट है इन द वर्ल्ड। यहाँ के जो पेंटिंग कलेक्शन है जो कि यूरोपियन आर्ट को रिप्रेजेंट करती है हर पीरियड से अप टू द रेवोल्यूशन ऑफ 1848। फिर यहाँ पे काफ़ी सारे दूसरे म्यूज़ियम के जो वर्क्स हैं उनको भी ट्रांसफ़र किया गया। एंड लूबर्स कलेक्शन ऑफ फ्रेंच पेंटिंग्स फ्रॉम द 15th टू 19th सेंचुरी इज़ अनसरपास्ड इन द वर्ल्ड। एंड इसमें काफ़ी मास्टरपीसेस है, जैसे कि आप सब जानते हो इटालियन रिनाइसा पेंटर के द्वारा बनाया हुआ लियोनार्डो दा विंची का मोनालिसा जो यहाँ पे है वो काफ़ी वो बहुत बहुत ही खूबसूरत है और वो अपने आप में ही एक अजूबा है जो देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग ट्रैवल करते हैं पेरिस। और उसके साथ साथ ही फ्लेमिश और डच पेंटर्स के भी यहाँ पे अलग अलग पीरियड्स के स्कल्पचर्स हैं और पेंटिंग्स हैं। Now we started from one of the departments or one of the corner of the museum and उसके बाद आगे बढ़ते गए धीरे धीरे हम, और जो हमने वहाँ पर देखा वो बहुत तरह की डिस्प्लेज थी, जो आर्ट वर्क थे वो डिस्प्ले में के थे और वहाँ पर विभिन्न अलग अलग तरह के थे, जैसे कि इजिप्शियन एंटिकिटीज हमने देखा जहाँ पे हमने स्फिनिक्स देखा, हमने टूम देखा जो कि हर एरा के जो टूम थे और जो तुतनखामुन थे जो राजा थे के टूम्स को हमने देखा। फिर उसके बाद हमने नॉर्दर्न ईस्टर्न एंटिकिटीज़ भी विज़िट किया, ग्रीक रोमन ये सारे जो डिपार्टमेंट्स थे वो डिस्प्ले कर रहे थे पीसेस फ्रॉम द मेडिटेरेनियन बेसिन से लेके न्योलिथिक एज 6th सेंचुरी का और भी आगे तक का। तो वो सारे हमने एक एक करके देखा। Thank you.
सारी खूबसूरत पेंटिंग्स के कलेक्शंस को देखते हुए हम अब बढ़ रहे हैं सबसे ऐतिहासिक हिस्से की तरफ, म्यूज़ियम के सबसे मेमोरेबल हिस्से की तरफ, जहां हम देखने वाले हैं मोनालिसा। तो ये इस हिस्से में, म्यूज़ियम के इस हिस्से में सबसे ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और लोग यहाँ पे लाइन में खड़े हैं मोनालिसा को देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा रूल करा हुआ है कि आप एक एक करके मोनालिसा की पेंटिंग के सामने से गुजरेंगे, तो इसीलिए लोग यहाँ पे बारी बारी से देखने के लिए लाइन में खड़े हुए थे। हम यहाँ से सीधे आगे बढ़ गए आर्क दी ट्रियम्फ देखने के लिए, बिकॉज ये जो जगह है ये ऑनर करती है दोज हु फॉट एंड डाइड फॉर फ्रांस इन द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी एंड नेपोलियनिक वॉर्स में। तो ये देखने के लिए भी काफ़ी लोग आते हैं हर हर साल, और ये एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है। आप टिकट बाय करके इसके ऊपर जो सबसे ऊपर की जो व्यू है वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हो और पूरे आसपास की जगह का मुआयना कर सकते हो और आप देख सकते हो बहुत अच्छे से। सीन रिवर की गलियों से गुजरते हुए हम आगे की तरफ बढ़ चले और हम उसके बाद जा रहे हैं सेंट शपेल देखने के लिए। सेंट शपेल की हमने टिकट्स बुक नहीं की है, हमने बाहर से ही देखना मुनासिब समझा कि हम बाहर से देख के ही फिर उसके बाद नोत्रे दाम को एक बार देखना पसंद करेंगे। तो हम सेंट शपेल की तरफ जा रहे हैं और फिर वहाँ से नोत्रे दाम की तरफ जाएंगे। दोस्तों हम रेडी हैं सीन रिवर क्रूज़ करने के लिए एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स हमारे क्रूज़ की तरफ। तो अभी टाइम है फ़िलहाल, तो आपको मैं आसपास का व्यू दिखाती हूँ। मेरे एकदम पीछे आईफिल टावर है, तो वो आपको थोड़ी देर में मैं दिखाऊंगी। फ़िलहाल क्रूज़ की तरफ चलते हैं। भूल गई क्या बोलना था। हाँ, सीन रिवर क्रूज करने के बाद अब बारी है एक गर्म कॉफ़ी की, क्योंकि ये दिल्ली की सर्दी नहीं, ये पेरिस की सर्दी है।
और उसके बाद फिर हम वेट कर रहे हैं आईफिल टावर के सेकंड फ्लोर तक जाने का। हमने एलिवेटर से जाना चूज़ किया है तो अभी उसके लिए काफ़ी टाइम है, तो मैंने सोचा अभी आपको अपडेट दे दूँ। और ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है आज का। मैं बता दूँ दोस्तों, बहुत अमेजिंग दो दिनों की हमारी जो ट्रैवल थी बहुत ही खूबसूरत थी, और पेरिस सच में बहुत खूबसूरत है, सच में। तो आपको ज़रूर आना चाहिए, और अगर आप जा रहे हो घूमने, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको पेरिस का टूर करना चाहिए, क्योंकि हर एक जगह बहुत खूबसूरत है और आपको अच्छा लगेगा घूम के। तो आज के लिए इतना ही, मैं ख़त्म करूँगी ये ब्लॉग पेरिस का आईफिल टावर टूर के साथ, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। तो अगर आपने मेरे साथ भी ये टूर इन्जॉय किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, और खुश रहिए। तो आज के लिए इतना ही। Second summit of the Eiffel Tower. This is the gigantic, beautiful view of the city Paris. बहुत खूबसूरत नज़ारा। नीचे सीन रिवर भी आप देख सकते हो, और दूर दूर तक जगमगाती lights of Paris. Surat let's soak into the vibe of this place and enjoy the moment, the present, and I hope you loved the video because this trip was very memorable and cherishing, and I'll remember this till the end. So if you loved my video, keep watching it and keep supporting me. Thank you very much for being there with me. Bye bye.